सर, मैं कोकिला बहन में सैटरडे को रात को 3 बजे मेरी बच्ची को लेके मैं यहाँ पे इमरजेंसी में आया। मैंने पहले फ़ोन किया था, मेरे जो डॉक्टर इधर देखते थे ना मेरे, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया। फ़ोन नहीं पिक करके उन्होंने मुझे बोला कि आप मैसेज करो, तो मैंने उसको मैसेज किया कैसे थे मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने बोला जाओ इमरजेंसी में जाके, तुम वहाँ जाके तुम दिखाओ और वो करो। तो हमने इमरजेंसी में आए, तो इमरजेंसी में उन लोग ने हमें 1 घंटे के बाद हमें एडमिट करने के लिए मतलब बोला, और हमने एडमिट कर दिया। और एडमिट करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह, उस दिन रात को कोई दूसरे डॉक्टर थे, असिस्ट डॉक्टर थे, पर जो मेन डॉक्टर थे वो आए नहीं थे। पर जो दूसरे डॉक्टर थे वो संडे को सुबह मॉर्निंग को आए, आके उन्होंने फिर दवाई वगैरह जो थी वो उन्होंने चालू की। पर यहाँ के जो नर्सिंग वगैरह जो हैं, जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी जो असिस्ट डॉक्टर है वो 24 घंटा काम करते हैं। जो इनको आप देखोगे हार्डली डॉक्टर 6-7 घंटा काम करते हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक एक डॉक्टर 24 घंटा काम करते हैं। तो उनके अंदर क्या चीज़ होगी जो वो बता सकेंगे कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो लोग खुद थक जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं है। और हमें उस डॉक्टर को मैंने जब पूछा कि आप 24 घंटा काम करोगे तो कैसे थकेगा, तो बोलता है कि क्या करें हमारे पास यहाँ पे स्टाफ नहीं है, और जो स्टाफ जूना स्टाफ है सब चले गए, नया स्टाफ सब है, और जो नए स्टाफ है उनको कुछ मालूम नहीं है। जो मेरी बच्ची को डॉक्टर ने बोला इनको 2.5 ml का दवाई देना है, वो नर्स आके उसको 3 ml का डोज दे रही है, उसको गोली क्रश करके देना है। गोली कितना बजे देना है, 12 बजे देना है, तो आके 1:30 बजे गोली दे रही है। तो ट्रीटमेंट यदि सही नहीं होगी तो बच्चा बचेगा कहाँ से। आज आप यदि देखेंगे कोकिला बिन में बहुत सारे हादसे हुए हैं। अभी मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ, आज मेरी बच्ची को डिस्चार्ज किया है, पर मैं ये अभी इतना कर रहा हूँ क्योंकि अगले जो बच्चे लोग बच रहे वहाँ हैं उनको किसी को कुछ नहीं हो। क्योंकि आज अगर यदि कोई तो बोलने वाला चाहिए, कोई तो उंगली उठाए इनके ऊपर। आज जब इतना बड़ा नाम करके बैठे हुए कोकिला बहन, तो उनके ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं जो यहाँ बैठे हैं अंदर। अगर यदि मैं भी अंदर होता तो मैं भी आपको इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं दे सकता था कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसा हुआ है। पर ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया अभी, तो मैंने उनको बोल दिया कि कोई अभी दवाई नहीं देनी, कुछ नहीं देना है, क्योंकि कल उठ के मेरी बच्ची के साथ लोग क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तो आज देखेंगे उसको दवाई का टाइम 12 बजे का है, तो 2 बजे दे रहे हैं दवाई देना है, 2.5 ml दे रहे हैं, 3 ml दे रहे हैं। जहाँ इंजेक्शन जो है, तो इंजेक्शन का IVR में जो देना चाहिए वो IVR पूरा खुल गया है, उन लोगों को पता ही नहीं है पूरा। मैंने वो सारे फ़ोटोज़ निकाले हैं, वो फ़ोटोज़ चाहिए मैं आपको दे दूँगा। और फोटोज़ में मैंने दिखाया कि वो IVR का जो मतलब जो IVR से जो उन्होंने इंजेक्शन दिया था वो सारा का सारा गद्दे में गया, वो बॉडी में गया ही नहीं है। अगर यदि बॉडी में यदि आप इंजेक्शन देते हो और नहीं जाता है तो फिर बच्ची बचेंगे कैसे। हम यहाँ पे बचाने के लिए लाए हैं कि हम मानने के लिए लाए हैं बच्चे लोग को, बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी आदमी हो, हम बचाने के लिए लेके आते हैं। अब इतना बड़ा नाम लेके बैठे हुए अगर यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है तो फिर आगे क्या बताएं। अब ये कंप्लेंट मैं आज जब दोपहर को मैं जब इनके डॉक्टर के पास गया, मिलिन करके कोई है एडमिनिस्ट्रेशन हेड, तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको ये भी बोला कि ऐसा ऐसा बात है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो नीचे जो असिस्टेंट रेखा करके कोई रेखा बारोट करके डॉक्टर है वो तो बात सुनने के लिए तैयार थे, उन्होंने नर्स के हेड को बुलाया, इसको बुलाया, पर ये मिस्टर मिलिन तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। और फिर मैंने उनको बोला कि मैंने मीडिया को बुलाया, मैं मीडिया को बुला रहा हूँ, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ और इस चीज़ को बताऊँगा, तो बोला जो करना करो। उनको वो भी नहीं परवाह है कि हम मैं अगर यदि ऐसा करता हूँ तो उनको तकलीफ होगी। देखो एक बात बताते हैं, हम करें या नहीं करें, हम आज मीडिया के सामने बैठ कर बात कर रहे हैं, पर अगर यदि हम नहीं करते हम भी दब जाते, चलो कोई बात नहीं छोड़ो हमको, हमारा बच्ची को लेकर निकल जाए। पर आज यदि ये चीज़ को कोई नहीं उठाएंगे तो कल उठ के यहाँ पे कितने जन का मौत हो रहा है आपको पता है? आपने ये देखा कितने जन का मौत हो रहा है? लोग बाहर खाली एडवर्टाइजिंग करें कि 50 जन का 5,000 आदमी मतलब बच्चे लोग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, तो 5,000 में से 50,000 बच्चे तो मर गए हैं ये पता है, पर जो एडवर्टाइज करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं और जो मर जाते हैं उनके बारे में नहीं बताते। आज मेरे को तकलीफ है तो मैं आज आपके सामने बैठ के खड़ा रहकर बात कर रहा हूँ। आज आप अगर यदि आपको है तो चलिए आप ऊपर चल के देखिए कि बच्चे की मेरी हालत क्या है। मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई है, हम लोग 4-5 दिन से नहीं खाए पिए बिना हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बच्ची को बचे, और ये यहाँ पे इस चीज़ का कारण हो रहा है। और डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर सब मुंह घुमा ले रहे हैं, और क्या बोलते हैं नर्स को बता रहे हैं, नर्स कोई जवाब नहीं दे रहे। पानी के लिए 4-4 घंटा बैठा रहना पड़ता है, पानी नहीं मिल रहा है बताइए आप। जहाँ पे 5-star होटल की तरह इन्होंने हॉस्पिटल खोल के रखा है वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। बेडशीट 3 दिन में 1 बार चेंज होती है, बताएंगे तो बोलते हैं कि हम अकेले हैं, स्टाफ ही नहीं है तो कैसे देंगे। मैंने जब ये चीज़ के लिए मैंने ज़रा लाउड बात की थी, जब मैंने वहाँ पे मैंने की थी लाउड बात, मैं ये बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक 6 महीने के बच्चे वाले एक थे जो 20 दिन से यहाँ पे अंदर मतलब परेशान होके गए, उन्होंने परसों कल के दिन उन्होंने डिस्चार्ज उनको मिला, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि सूरज जी आपको यदि कोई तकलीफ है तो आप एक काम करिए, जो वाइट ड्रेस में जो नर्स होती हैं उनको आप कंप्लेन करो, तो वो लोग आपकी कंप्लेन सुनेंगे, ये लोग कोई कंप्लेन नहीं सुनते नर्स लोग। तो उन्होंने मुझे, देखिए एक बात बताता हूँ, मेरे मन में भी ऐसा था, इसके पहले भी मैंने यहाँ कोकिला बहन में भर्ती किया था, तभी ये प्रॉब्लम था, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, मैं सीधा निकल गया था। अभी मैं बॉम्बे के जितने यहाँ के जो DSP साहब हैं उनको कंप्लेन करने जाने वाला हूँ,
और उनसे मैं बात भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंप्लेन ये चीज़ को रखे और ये चीज़ को बताए। मैं मेरे बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची तो आज डिस्चार्ज हो रही है, मैं मेरे बच्चे को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में चले जाऊँगा, दूसरी जगह पर चले जाऊँगा। पर जो बच्चे जो यहाँ पर हैं या जो बूढ़े बच्चे हैं उनके बचाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि भाई अगले चीज़ को आप लोग सेव कर सको। देखिए आदमी गोली से मरता है, अगर गोली से बचता भी है, अगर गोली जाएगी तो बचेगा ना, अगर गोली जाती ही नहीं तो बचेगा कहाँ से आदमी? और वो देगा कौन? डॉक्टर तो देता नहीं, डॉक्टर तो खाली लिख के देता है, वो देते हैं नर्स लोग, और नर्स लोग वो चीज़ में नहीं कर रहे क्योंकि नर्स सारी नर्स नहीं है, जो जूनी नर्स है सब छोड़ के चली गई है, और जो नहीं है एक महीना डेढ़ महीना, वो मैंने बात भी की नर्स से भी कि आपको कितना टाइम होता, बोला एक महीना, किसी को बोला तो डेढ़ महीना। तो जो नर्स नए हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है अभी, उनको आपने बैठा दिया, तो आदमी की जान जानी ही जानी है। और मैं ये सारी चीज़ें फेसबुक सोशल नेटवर्क में सब में डालने वाला हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ इनमें कितने आदमी जुड़े हैं, वो भी चाहिए तो मैं वो भी लिंक भी आपको भेजूँगा।